तो अगर इंडिया में आप सोचो इतना जगह होता तो कोई मिस्टर ए को मिल जाता अपना इंडस्ट्री बनाने के लिए। और ये बाकी जो ऐसे डब्बे डब्बे दिख रहा है, हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? उसका रीज़न है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट हट के जगह आए हैं बर्लिन में, जो कि बाकी जगह से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो जगह है ये नॉर्वेगन स्ट्रासे के पास में है, तो यहाँ पे आने के लिए बॉर्नहोम स्ट्रासे का स्टेशन आप आ सकते हो, वहाँ से पास में ही है। तो ये जगह इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन पूरा साल नहीं रहते हैं, स्प्रिंग से लेके विंटर तक जो ड्यूरेशन होता है उसी में ही आते हैं रहने के लिए, और इसको समर हाउस बोला जाता है। तो ये जगह के पास एक लंबा सा स्ट्रेच भी है। किसका स्ट्रेच है? चेरी ब्लॉसम्स का स्ट्रेच है, जो कि हम लोग मिस कर दिया क्योंकि अभी लास्ट फाइव सिक्स डेज से अभी बारिश हो रहा है, तो उसके चक्कर में सारी चेरी ब्लॉसम्स नीचे झड़ गए हैं, फूल जितने भी थे, और अभी पत्ता आना स्टार्ट हो गए। तो स्लोली पिंक से ग्रीन हो चुका है पेड़ सारे। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे ये चेरी ट्री, तो इस टाइप का कुछ कुछ चेरी ट्री बचा है। लेकिन इसके अंदर में आने का मेन मकसद जो है ना वो है आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे समर होम्स कैसे होते हैं, बर्लिन में समर होम्स कैसे होते हैं, जो कि पास में अपार्टमेंट्स है तो उसके साइड में जितने भी है आप लोगों को देखेगा दिखाई देगा कि पूरा अच्छा स्पेशियस जगह है जिसमें छोटा छोटा कॉटेज टाइप का बना हुआ है। मैं आप लोग एक एक करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बात करके बोर नहीं करूँगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं और आगे घूमते हैं समर होम्स बर्लिन के। बर्लिन में बहुत सारे जगह में हम लोग देखते हैं छोटे छोटे गार्डन्स जिसके अंदर छोटे छोटे घर रहते हैं, कुटिया जैसे, हॉट जैसे, और ये सब जगह को मोस्टली गार्डन होम्स बोलते हैं, समर गार्डन्स बोलते हैं, अलॉटमेंट्स बोलते हैं, और जर्मनी के लैंग्वेज के हिसाब से स्क्रेबर गार्डन और क्लाइन गार्डन भी बोलते हैं। तो देखो इस टाइप का होता है समर होम्स, कितने स्पेशियस है, आगे गार्डन टाइप का है और बीच में छोटा छोटा कॉटेजेस है। तो इसके अंदर घूमने से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गांव के अंदर घूम रहा हूँ, बर्लिन सिटी का जो हसल बसल उसके अंदर इतना सुकून भरा एरिया तो थोड़ा डिफरेंट है, ये वाइब्स डिफरेंट है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाता हूँ एक एक करके जगह, और आगे भी जाएंगे जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स का लंबा स्ट्रेच है बॉर्नहोम स्ट्रासे साइड में, वहाँ पे भी जाके देखेंगे। तो एक एक छोटा छोटा स्ट्रीट टाइप का है, उसके अंदर हाउसेस लाइन बाय लाइन है। तो अभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे ट्रीज वगैरह प्लांटेशन करना, अभी जो विंटर के बाद स्प्रिंग एंड समर का जितना भी फ्लावर्स वगैरह वाला ट्री होता है वो सब प्लांटेशन अभी देख पा रहे होगे आप। एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जर्मनी में ये गार्डन अलॉटमेंट लिए हैं। ये क्लाइन गार्डन या स्क्रेवर गार्डन में जो होता है उसमें एक छोटा सा प्लॉट लैंड का रेंट के हिसाब से आप लेते हो, जिसमें फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ये सब उगाने के लिए लोग यूज करते हैं। और ये चीज़ जर्मनी में बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, लगभग 1800-1900 सन से ये चलते जा रहा है। स्क्रेवर गार्डन, ये नाम फिजिशियन डैनियल गॉटलिएफ स्क्रेवर के नाम से आया है, जो कि डिमांड किए थे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के लिए 19th सेंचुरी में, जब वार वगैरह चल रहा था, तो डेंजरस स्ट्रीट से बच्चों को लेके एक सेफ जगह के लिए वो ये गार्डन का डिमांड किए थे।
व्हाइट एप्पल्स, ये जो ट्री है शायद व्हाइट एप्पल ट्री है, यहाँ पे अभी एप्पल तो दिख नहीं रहा है बट थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स है। वैसे आप जब घूमते रहोगे तो आपको एक एक छोटा छोटा बोर्ड मिलता है सबके मोस्ट ऑफ द घर के सामने, जो जो चीज़ है उसको आगे लगा रहता है इसमें क्या है क्या नहीं, तो काफ़ी फैसिनेटिंग है घूमना। देखो ये एक घर है, इसमें गार्डन टाइप का है। तो वहाँ पे ग्लास हाउस टाइप का दिख रहा है, तो विंटर में भी उसके अंदर शायद गार्डन टाइप का बनाया है। और ये बाकी जो ऐसे डब्बे डब्बे दिख रहा है वो समर गार्डन है। तो पूरा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लगाए होंगे, क्या लगाए पता नहीं, अभी तक उगा नहीं है ठीक से, बट दिख रहा है कुछ गार्डन टाइप का। किड्स गार्डन, तो इसके अंदर बच्चे लोग आके अपना गार्डनिंग का स्किल एनहांस कर सकते हैं। सच बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स आप लोगों के सामने लाऊँ जो कि यूजुअल ब्लॉग से डिफरेंट हो। बहुत सारे चीज़ है बर्लिन में, जर्मनी में, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है ब्लॉग्स वगैरह में, तो मैं चाहता हूँ वो सब भी ब्लॉग्स में लेके आऊँ। तो आप लोग बताओ इसी टाइप का आपको अगर ब्लॉग पसंद है तो फिर मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाऊँगा, नहीं तो अगर नहीं देखना चाहते हो तो बना के क्या फ़ायदा, मैं खुद ही देख लूँगा। तो ठीक है, अभी ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, आगे क्या है वो भी देखते हैं। बहुत सारे पतला पतला इस टाइप के स्ट्रीट्स हैं जिसमें दोनों साइड समर गार्डन्स हैं कुछ इस तरह। ये तो इंडिया में है ना इस टाइप का, फ्लावर्स आते हैं बाहर झाड़ियों में। देखो और एक घर है, ये है और एक समर हाउस, समर होम जो भी बोलो, समर कॉटेज। तो एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि क्लाइन गार्डन या स्क्रेबर गार्डन मिलेगा कैसे, मतलब हम लोग खुद कैसे इसको ले सकते हैं। तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो जिसमें कि आपको मिलेगा गार्डन के बारे में इन्फॉर्मेशन। और ये मिलेगा आपको स्टेट वाइड रेगुलर गार्डन एसोसिएशन जो जर्मन अलॉटमेंट गार्डन फेडरेशन की वेबसाइट में मिलेगा, नहीं तो साइट्स दूसरे साइट्स जैसे कि ईबे, क्लाइनेनजाइगन और आपकी लोकल गार्डन एसोसिएशन का वेबसाइट, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। बर्नहोमर गार्डन, तो ये 125 साल से ये गार्डन बना हुआ है इस जगह में, आप देख पा रहे होंगे सबका डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज है, ऐसे जाली जाली बाउंड्रीज है और सबका डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो। इनका नाम है जोहानस रोज सपोज, तो फिर देखो इनका ये है ये वाला गार्डन, तो फिर आगे दूसरा किसी का गार्डन है, तो पूरा एरिया ऐसे गार्डन लोग लेके साल में कुछ महीनों के लिए आते हैं यहाँ पे और चिल करते हैं। और यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह जो भी है इस टाइप का होता है, लोग यहाँ पे स्पिनच वगैरह, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये शायद ओनियन लगाए हैं, ओनियन तो ऐसे बनाते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे फिर से गार्डनिंग कर रहे हैं लोग। जित्रोन वेग, ट्रॉबन वेग, जित्रोन मतलब नींबू, ट्रॉबन वेग अंगूर का, तो ऐसा है यहाँ पे। यहाँ पे दिखाने का कोशिश है कि यहाँ पे गार्डन की वजह से टेम्परेचर में कितना फर्क आता है और एरिया में कैसा गार्डन लगाने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और हीट वेव कम हुआ है, जितना हीट यहाँ पे होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये सब करने का जो मकसद है एनवायरनमेंट को अच्छा करना। और तो अगर इंडिया में आप सोचो इतना जगह होता तो कोई मिस्टर ए को मिल जाता अपना इंडस्ट्री बनाने के लिए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ये सब चीज़ अच्छा कर रहा है कि लोग यहाँ पे भी इनिशिएटिव ले रहे हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं एटलीस्ट, तो बहुत सही चीज़ है, ऐसा चीज़ होना चाहिए। बट आई डोंट नो हम लोग ये चीज़ इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस रेट से वहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ रहा है, पेड़ काट रहे हैं, जो पहले का पेड़ है उसको काटते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे रीप्लांटेशन हो रहा है, कहीं पे कट से ज़्यादा तो यहाँ पे प्लांट हो रहा है, जो कि बहुत सही चीज़ है और ये चीज़ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, सारे एक कंट्री में होना चाहिए, सो दैट हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो। एटलीस्ट अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो इंडस्ट्री वगैरह रहेगा। देखो लिटरली जैसे हल करते हैं ना, वहाँ पे प्लांटेशन के लिए लोग बनाए हैं। इससे गार्डन्स का रेंटल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 18 सेंट आता है, जो कि यूजुअली 72 यूरो तक जाता है पर गार्डन, जिसका साइज़ 250 से 400 स्क्वायर मीटर तक रहता है। और जर्मनी में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट कॉस्ट होता है, जैसे कि बर्लिन में 35 सेंट पर स्क्वायर मीटर होता है और ये एक्सक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सो उसको मिलाओगे तो आपको बर्लिन में ऑलमोस्ट 250 से 500 यूरो पर एनुअल रेंट आ जाएगा। तो अभी मैं जो स्ट्रीट में हूँ, नॉर्वेगन स्ट्रासा से उतर के थोड़ा घूमा मैं समर हाउसेस वगैरह, तो उसके बाद मैं जो स्ट्रीट में हूँ वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है चेरी ब्लॉसम्स के यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चेरी ब्लॉसम्स रहेंगे, बट स्टिल मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ कैसा है जगह, तो मेरे साथ चलिए एक छोटा सा स्ट्रॉल करते हैं यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं घर के तरफ, अभी जो दिखाना था आप लोगों को मैं दिखाया और मैं खुद भी घूमा, मुझे भी बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी अच्छा लगा हो आई होप। तो थोड़ा सा आगे तक स्ट्रॉल करते हैं फिर घर निकलते हैं।